बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ताहिर जावेद NA75 नारोवाल का कैंडिडेट आपसे मुखातिब हूँ। मेरे दोस्तों, मुझे अभी अभी इतला मिली है, आज इलेक्शन को खत्म हुए तीसरा या चौथा दिन है, बकायदा इन्होंने फोन किए कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और प्रिजाइडिंग अफसरों को बुला रहे AC ऑफिस में ताकि वो फॉर्म 45 नए बनाए जाए। मैं आपका MNA हूँ, ड्यूली इलेक्टेड MNA हूँ, मेरे कम से कम 1,20,000 वोट है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये असली फॉर्म 45 दिखाए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन इलेक्ट हुआ। भाई कितनी धांधली करोगे, प्री पोल रिगिंग आपने की, इलेक्शन डे आपने रिगिंग की, हमारा निशान हमसे ले लिया, अब तीसरे दिन लगे हुए हैं, कभी इस तरह हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आती ये चाहते क्या। और ये जो सरकारी अफसर है, स्पेशली रिटर्निंग ऑफिसर, भाईजान आप गवर्नमेंट के मुलाजिम है, पाकिस्तान हुकूमत के मुलाजिम है, हमारे टैक्स से आपकी तनख्वाह जा रही है, आप किसी एक फर्ज की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप ईमानदारी से काम करें, क्यों डरते हैं आप? वहां पे भी आप रो रहे थे कि डॉक्टर साहब यहां से निकल जाए, प्लीज एक घंटा मुझे दे दें। किस लिए दें? वो 75 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे वो कहां गायब थे सुबह 6 बजे? सब चीजें जो है ना हमारे पास है, मेरे फॉर्म 45 जब एड किए जाएंगे तो मेरा रिजल्ट 1,20,000 के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने मुझे 76,000 कर दिया। और अब आप प्रिजाइडिंग अफसरों को बुला रहे, आपके ख्याल में ये हमें बताएंगे नहीं, ये हाईकोर्ट में गवाही नहीं देंगे? बस करो, खुदा के वास्ते पाकिस्तान में सच्ची जमहूरियत चलने दो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं हारा हूँ तो मैं हारा हूँ, अगर मैं जीता हूँ तो मैं जीता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप धांधली से ये कर लेंगे, टेबुलेशन पे कर लेंगे, कब तक? आप जो फॉर्म 45 बना रहे हैं जाली, दे विल बी एक्सपोज्ड, और जो जो ऑफिसर इसमें मुलव्वस है ही विल पे द प्राइस। खुदा के वास्ते जमहूरियत को चलने दें। थैंक यू।